जानकारी एक सूचना है। सूचना यह है कि जिन लोगों ने अपने कोविड वैक्सीन की दो, उनके लिए एक बहुत ही आवश्यक सूचना है। कई लोग परेशान हो रहे थे कि उन्हें बूस्टर डोज कब दिया जाएगा। कुछ दिनों पहले यह भी सुनने को मिला कि 60 से ऊपर वाले को ही फ्री में कोविड वैक्सीनेशन की दूसरी डोज दी जाएगी और बाकी लोगों को प्राइवेट से लेना होगा पैसे लगाकर। लेकिन अब यह सूचना आई है कि 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं वे भी बूस्टर डोज ले सकते हैं और वह भी मुफ्त में। अपने नज़दीकी स्वास्थ्य उपकेंद्र या जहां कहीं भी कैंप बनाया जा रहा हो आप वहां जाकर अपने कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज ले लें। लेकिन एक बात याद रखें, यदि आपने दोनों डोज कंप्लीट कर लिया हो तो, और दूसरी डोज लिए हुए आपको 9 माह पूरे हो चुके हों, तभी आप बूस्टर डोज के हकदार हो सकते हैं और आपको बूस्टर डोज लग सकता है। अपने साथ आधार कार्ड और मोबाइल नंबर ले जाना ना भूलें। मोबाइल अगर आपका साथ में होगा तो OTP बताने में सुविधा होगी, इसलिए जब भी आएँ तो आधार कार्ड और लेकर आएँ, क्योंकि कभी कभी राशन कार्ड की भी आवश्यकता पड़ जाती है। तो जिनके पास राशन कार्ड हो वो अपना राशन कार्ड भी ले आएँ, और जिनके पास केवल आधार कार्ड है तो वो केवल आधार कार्ड लेकर आएँ। साथ ही यदि आपके पास वैक्सीन लेने की सर्टिफिकेट हो, यानी आपने दो डोज कंप्लीट किए हैं और उसका सर्टिफिकेट आपके पास हो, उसे भी अवश्य लेकर आएँ। इससे जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं उन्हें पहचान करने में आसानी होती है और वह आसानी से वह डेट देख कर यह पता कर सकते हैं कि आपका 9 माह पूरा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी दिन गड़बड़ हो सकती है, आपको याद नहीं रह सकता है। लेकिन यदि आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो उससे परफेक्ट पता चल जाएगा कि आपने 9 माह पूरे कर लिए हैं और अब आप बूस्टर डोज के योग्य हैं। तो ध्यान रखें, 18 वर्ष से ऊपर के जो भी व्यक्ति हों, चाहे किशोर किशोरियाँ हों या फिर महिलाएँ पुरुष हों, सभी बूस्टर डोज के हकदार हैं और वे बूस्टर डोज मुफ्त में ले सकते हैं।